सोलन में पिछले करीब 4 माह से बारिश नहीं हो रही है। आसमान में बादल आते भी हैं तो बिना वर्षे ही निकल भी जाते हैं। बारिश ना होने के कारण किसानों के खेत खलियान सूखते जा रहे हैं। प्राकृतिक पानी के स्रोत भी अब सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि सोलन के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर बारिश नहीं होती है तो वे कई फसलों की बुआई समय पर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर बुआई का कार्य समय पर नहीं हुआ तो उन्हें भारी हानि उठानी पड़ सकती है। सोलन में नदी नाले नहीं है, यही वजह है कि किसान केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर रहता है। वह अपनी बुआई तभी कर सकता है जब बारिश होती है। सोलन के किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सोलन में बारिश न होने की वजह से वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वे मटर, गोभी, आलू की बुआई करना चाहते हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से वे ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से उनके खेत सूखे पड़े हैं। प्राकृतिक पानी के स्रोत न होने की वजह से वे बुआई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश न होने की वजह से जहां उनकी पहली फसल जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन और मक्के की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ा, वहीं अब मटर, गोभी और आलू की फसल की समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम सुनील ठाकुर और मैं ग्राम कुंदला, ग्राम पंचायत कोठो का स्थायी निवासी हूँ और पेशे से कृषि किसान हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि तकरीबन 3-4 महीने हो गए बारिश ना होने के कारण, जिससे कि हम सभी किसानों की जो हमारी नकदी फसल जैसे टमाटर थे, आपकी शिमला मिर्च है, आपकी फ्रांस बीन है, आपके जितने भी हमारी जैसे आपकी जो मक्की वगैरह भी थी, इस फसलों पे बारिश ना होने की वजह से हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और जो दूसरी जैसे जो बारिश ना होने के कारण जैसे अभी आगे भी जो हमारी फसलें जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे तो खेतों की सिंचाई पानी द्वारा हो जाती है, पर जहाँ पे जो सूखी ज़मीनें हैं जिन पे वो डिपेंड ही बारिश के ऊपर रहते हैं, उन्हें तो बहुत ही भारी नुकसान अगली जैसे फसल हमारी अभी मटर है, गोभी लगती है, और अभी कुछ ही दिनों बाद हमारा आलू जैसे पहाड़ी आलू की भी वो रुपाई हो जाएगी। तो जब तक बारिश ना नहीं हो पाती तब तक जिम्मेदार कुछ भी अपने खेतों में कोई भी काम कार्य नहीं कर सकता। सर, खेती पे प्रभाव पड़ रहा है, एक तो गर्मियों को पानी नहीं मिलेगा, बारिशें नहीं हो रही है, और दूसरा कनक बीजने का जो समय था हमारा वो ख़त्म हो चुका है, और पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। खेती में क्या साधन करेगी सरकार भी, और क्या करेंगे हम, ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, ये समस्या खेती में तो बहुत बड़े लोगों का नुकसान हो चुका है, गोभी की फसल का नुकसान हो चुका है, मटर का नुकसान हो चुका है, कनक बीजने का समय वो ख़त्म हो चुका है, क्या करेगी किसान तो चारों साइड से मारा जा रहे हैं।